यहाँ पे सब्सक्राइब करें, एक घंटा दबा लें और ऑल पे भी घंटा दबाएं ताकि वीडियो पहुँच पाए आप तक, और साथ ही साथ लाइक भी करें वीडियो को। ये कांटा टोली चौक है, इधर आपका कोकर चौक, खेलगांव चौक, बूटी मोड़ जाता है, ठीक है। और जिधर लाल कलर का बस जा रही है उधर रेलवे स्टेशन टुपुदाना IUN, ठीक है। और इधर जो क्रेन आ रही है उंगली से जो दिखा रहा हूँ उधर ही आपको जाना है SRS के लिए, इधर आपको ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। और ये इधर से भी आप ये सेंटर जा सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, दूसरा वीडियो लेके। और एक उधर जो रास्ता है उंगली से जो दिखाऊंगा, ठीक है, जो दिखा रहा हूँ देख लीजिए, उधर आपका न्यूक्लियस मॉल, मेन रोड, जितने भी मार्केट है सब उधर ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ध्यान से दूसरा वीडियो में। दूसरी तरफ से वीडियो लिया हूँ एक बार फिर से कांटा टोली चौक को। आप सब देख सकते हो किधर किधर क्या जाता है, रास्ता पहचानने के लिए आप सभी चारों तरफ देख सकते हैं कौन सा क्या है, ठीक है। और आने वाले दिन में यहाँ ये चौक का नक्शा बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओवरब्रिज बनने वाला है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर झारखंड का जानकारी देता हूँ, तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल का घंटा भी दबा लेना और वीडियो पसंद आने पे लाइक करें प्लीज़। ये लोहाडी चौक का सीन है। अब हम लोग लोहाडी पार करने के बाद एक चौक आएगा, ठीक है, उधर नहीं जाना है, बाएं तरफ, ठीक है, क्योंकि उधर आपका जमशेदपुर और झारखंड हेड ऑफिस जाता है। आप सभी देख सकते हैं ये चौक, तो देख सकते हैं दिशा बोर्ड में भी रोक के भी देख सकते हैं। हम लोग को यहाँ से दाएं लेना है, मतलब राइट लेना है, ठीक है। बाएं तरफ आपका जमशेदपुर हेड ऑफिस जाता है, जमशेदपुर और झारखंड का हेड ऑफिस, ठीक है, बाएं तरफ ओवर ब्रिज होते हुए। अब हम लोग यहाँ से दाएं ले रहे हैं, अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे स्वर्ण रेखा का पुल है, तो देख सकते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्वर्ण रेखा के पास ही स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ये आपका ऑटो, यहीं पे निकलते हैं ऑटो वाले, ठीक है। अगर ऑटो वाले डायरेक्ट इधर से ही चले जाते हैं SRS के लिए। देख सकते हैं स्वर्ण रेखा पुल पार कर रहे हैं हम लोग, ओवरब्रिज सामने है। ये एक पहला रेलवे फाटक है नामकुम स्टेशन पार करने के बाद, ठीक है। कुछ दिन बाद ये सीधे ओवरब्रिज होते हुए सब गाड़ी जाएंगे, क्योंकि अभी ये ओवरब्रिज बन रहा है। ये अब ये टाटी सिलवे का फाटक है, ठीक है, ये टाटी सिलवे फाटक है, ठीक है। टाटी सिलवे यहाँ पे एक स्टेशन है, आने वाले दिनों में ये ओवरब्रिज पार करते हुए सभी गाड़ी जाएंगे टाटी। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो कम से कम बहुत पहले निकलिएगा, ठीक है। अब हम लोग टाटी सिलवे का चौक की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सीधे आपका उधर जाती है, उधर मतलब नहीं जाना है, और ये जिधर ट्रक आ रही है उधर ही हम लोग को जाना है SRS के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, राइट मत लीजिएगा, ठीक है। ऑटो वाले आपको यहीं पे उतार देंगे, कोई कोई ऑटो वाले, ठीक है। अब सीधे जाना है, कम से कम 200 मीटर है, तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। ये रहा सेंटर, देख सकते हैं बाएं साइड है, ये पेड़ों से ढका हुआ है, मिट्टी कलर का है। और ये सेंटर 12 किलोमीटर होगा कांटा टोली चौक से, ठीक है।